तो उधर इनकार्नेटेड एम्परर के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि साइन जब उस मास्क्ड गर्ल का पीछा कर रहा था तब वह क्लॉड ट्रेजर जिसके पीछे वह मास्क्ड गर्ल थी वो अपने आप ही साइन के पास आ जाता है, जिससे उनके बीच में एक फेयरेस्ट बैटल स्टार्ट हो गई थी। पर किसी तरह से साइन और कैन्यो उसे चकमा देखकर वहां से निकल जाते हैं। और अब आगे तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम उस फॉर्मेशन को देखते हैं जो अपने अंदर से एक शैडो डीमन को समन करता है जो पूरी तरह से डार्क ऑरा में कवर और काफी पावरफुल लग रहा था, जिसको अपेयर होता हुआ देख यह सब दूर से देख रही दो लड़की में एक बोलने लगती है कि यह तो शैडो डीमन है जो बहुत पावरफुल लग रहा है पर मार्शल किंग से नहीं, इसे तो वह चींटियों की तरह मसल देंगे। जिसके साथ ही हम वहाँ पर मार्शल किंग को देखते हैं जो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को बैलेंस कर अपना कदम उस शैडो डीमन की ओर बढ़ा रहा था, जिससे हम उसकी पावर पर अपनी पकड़ देख सकते हैं क्योंकि ऐसे बहुत ही कम कल्टीवेटर होते हैं जो ऐसे हवा में चल सकते हैं। तो वह डीमन जब देखता है कि मार्शल किंग उसकी ओर बढ़ रहा है तो वह उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, पर तभी मार्शल किंग किसी टेक्निक का यूज करके एक जाइंट स्पिरिचुअल फूड को समन कर उस डीमन पर अटैक करता है, जिसको ये टेक्निक यूज करता है देख कैन्यो बोल पड़ती है यह तो डाउ क्लैन का फूड स्टॉर्म टेक्निक है, जिसे सुन साइन कैन्यो से सवाल करता है कि आखिर तुम्हें कैसे पता कि यह टेक्निक डाउ क्लैन की है, जिस पर कैन्यो उसे बताती है कि जब वो फैमिली ने डाउ क्लैन पर अटैक करके उसे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था तो इसका फायदा उठाकर वो फैमिली ने डाउ क्लैन को लूट लिया था जिसमें यह टेक्निक शामिल थी। जो बात जानकर साइन गुस्सा होते हुए सोचता है कि मैं सू फैमिली को पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगा भले इसमें मुझे मार्शल किंग से फाइट क्यों ना करनी हो। जिसके बाद हमारा सीन मार्शल किंग पर शिफ्ट होता है, जिस पर वह शैडो डीमन अपनी पावर का यूज करके अटैक करने की कोशिश करता है, पर मार्शल किंग इतना पावरफुल था कि वह उसके अटैक को बहुत ही इजिली अपने एक हाथ से ही रोक पा रहा था, जिसमें वह शैडो डीमन गुस्से में अपने चारों हाथों का यूज करके मार्शल किंग को पकड़ने को बढ़ता है, जिसमें वह कामयाब भी हो जाता है पर ज्यादा देर तक मार्शल किंग को रोक नहीं पाता क्योंकि मार्शल किंग की स्ट्रेंथ उस डीमन से बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल पर जा चुकी थी, जो आजाद होने के साथ किसी थंडर टेक्निक का यूज करके उस डीमन को मार गिराता है। लेकिन थोड़ी देर में वह डीमन वापस से रिजरेक्ट होकर मार्शल किंग पर पंच की बारिश सक कर देता है, पर मार्शल किंग बड़े आराम से इस डीमन के हरेक अटैक से बचते ही जा रहा था, और जब उसका मन भर जाता है तब वो इस डीमन पर अपना फाइनल स्ट्राइक करते हुए किसी यिंग यांग डेथ एंड लाइफ डायग्राम टेक्निक को एक्टिवेट करता है, क्योंकि इस डीमन का कहना था कि उसके पास एक अनडाइंग सोल है जिसे कोई मॉर्टल यानी इंसान तो बर्बाद कर नहीं सकता, इसलिए वह बार बार रिजरेक्ट होना जारी रख सकता है। और इस डीमन की इसी गलत फहमी को दूर करने के लिए मार्शल किंग इस यिंग यांग डेथ एंड लाइफ डायग्राम का यूज कर रहा है, जिसके हेल्प से वह इस डीमन के सोल को ही बर्बाद कर देगा, जिससे होता भी यही है क्योंकि यह टेक्निक इतना पावरफुल था कि वह डीमन इसमें फंसता ही जा रहा था। जिसकी हालत देख दूर से यह सब होता हुआ देख रही दो लड़की जो असल में मार्शल किंग की मेट्स थी अब वह टी बनाने लगती हैं, क्योंकि यह सब तो मार्शल किंग का ट्रेनिंग का हिस्सा था और इस ट्रेनिंग के बाद मार्शल किंग थोड़ा रेस्ट करने वाला था। फिर हम कैन्यो को देखते हैं जो यिंग यांग डेथ एंड लाइफ डायग्राम टेक्निक को देख हैरान होते हुए बोलती है यह तो बहुत ही रेयर फिनोमेना है जो एंशियंट टाइम से चला आ रहा है, वाकई में यह मार्शल किंग तो जीनियस है। नहीं, यह कहना ठीक नहीं होगा, मार्शल किंग तो अभी के जनरेशन में सबसे जीनियस कल्टीवेटर है। जिसकी बातों को सुनकर साइन उसे बोलता है कि तुम्हें किसने कह दिया कि मार्शल किंग ही सबसे बड़ा जीनियस कल्टीवेटर है। तो कैन्यो कहती है अच्छा क्या तुम मार्शल किंग से भी कोई बड़े जीनियस को जानते हो, जिस पर साइन बोलता हाँ मैं ही तो हूँ वो, तुम बस सबर करो देखना कैसे मैं फ्यूचर में मार्शल किंग को सरपास कर उसके वो फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। जिसकी इन बातों पर कैन्यो को भरोसा होने से रहा, इसलिए वह साइन को यह कहती है कि अगर तुम मार्शल किंग के उन दो मेट्स को ही हरा दो तो वही तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। जिसके बोलते ही हम वहाँ पर एक मेजरलेस स्केल को अपेयर होता हुआ देखते हैं जो इन्फिनिटी सेक्ट का इंपीरियल वेपन था, जिस इंपीरियल वेपन को अपेयर होने का मतलब यह था कि हॉल ऑफ स्टार का रास्ता जल्दी बंद होने वाला है, इसलिए साइन तुरंत ही कैन्यो को छोड़कर वापस अपने स्टार अकेडमी की ओर चल देता है, जिसके ऐसे चले जाने की वजह से कैन्यो साइन पर काफी गुस्सा होती है। लेकिन साइन इतनी जल्दी स्टार अकेडमी में इसलिए पहुंचना चाहता था ताकि जब वो फैमिली के उनके मेंबर्स की मरने की बात पता चले तब तक साइन वापस से स्टार अकेडमी में आ चुका हो, क्योंकि इसके बाद तो वह वो फैमिली के टारगेट पर होगा। जिसके बाद हम साइन को डिनसुन के पास देखते हैं जिन्हें वो अपना कलेक्ट किया हुआ स्टेरी लिक्विड देता है। जिस स्टेरी लिक्विड के बॉटल को लेकर जब डिनसुन उसे अच्छी तरह से एग्जामिन करते हैं तो वो साइन को बोलते हैं बहुत बढ़िया, तुमने जिस अमाउंट में स्टेरी लिक्विड लाया है इससे वह एस्ट्रल स्टोन वापस से रिकवर हो जाएगा, तो बताओ मैं तुम्हारी इस अचीवमेंट के लिए तुम्हें क्या दूं।
मेरा स्टार एकेडमी तुम्हारी इस मदद के लिए तुम्हें कुछ भी देने के लिए तैयार है, तुम बस एक बार मांगो। जिस पर साइन डीन सुन को फोर सिंबल एस्ट्रोलॉजिकल सील टेक्निक देने की बात करता है, जिसकी अभी सुनकर डीन सुन हैरान होते हुए बोलते हैं, ठीक है, तुमने अभी जो अचीवमेंट अचीव किया है उसके बदले में मैं तुम्हें ये फोर सिंबल एस्ट्रोलॉजिकल सील टेक्निक देने के लिए तैयार हूँ, तो आओ मेरे पीछे आओ। जिसके बाद हम डीन सुन और साइन को स्टार एकेडमी की ऐसी जगह पर देखते हैं जहाँ पर सबसे पावरफुल जेट स्लिप रखा जाता है। तो डीन सुन साइन को बताते हैं कि तुम जिस जगह पर अभी हो यह कोर है स्टार एकेडमी का, जहाँ पर रखे हुए हर एक जेट स्लिप के अंदर बहुत ही पावरफुल टेक्निक है, जिसे कोई नॉर्मल कल्टीवेटर सीख ले तो उसे पावरफुल बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। जो बात जानकर साइन क्यूरियस होकर वहाँ पर रखे एक जेट स्लिप को टच करता है, जिसके ऐसा करते ही वह जेट स्लिप एक्टिवेट होकर अपने अंदर से एक छोटे से ड्रैगन को समन करता है, जो ड्रैगन के अंदर पावर थी डिफेंसिव एट्रीब्यूट की, जिससे साइन अपनी पावर का यूज करके फाइट बैक करने की भी कोशिश करते हैं। पर यह जेट स्लिप की टेक्निक वाकई में बहुत पावरफुल थी, जिसकी वजह से साइन को पीछे हटना पड़ता है। और इतने देर में डीन सुन ने वह टेक्निक बाहर निकाल ली थी जिसके तलाश में साइन था, पर वह यह भी बात साइन से शेयर करते हैं कि तुम जिस फोर सिंबल एस्ट्रोलॉजिकल सील टेक्निक के पीछे हो वह काफी एंशियंट टेक्निक है, जिसकी वजह से वह समय के साथ विलुप्त हो चुकी है, और अभी मेरे पास बस उसका एक ही सिंबल एस्ट्रोलॉजिकल सील है, तो यह लो। और अब जबकि तुम इस टेक्निक के पीछे पड़ चुके हो तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम जरूर ही उन तीन सिंबल एस्ट्रोलॉजिकल सील को भी धूड़ी निकालोगे, जिसकी वजह से यह टेक्निक पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी। जिनके ये बोलते ही हम साइन के पास से उसका वो ग्रीन बैम्बू ट्रेजर को बाहर आता हुआ देखते हैं, जो अचानक से बहुत ही हैवी ऑरा रिलीज करते हुए एक लड़की में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिसको इस लड़की के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता हुआ देख साइन उसे पूछता है कि क्या तुमने अपना ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है। पर वह लड़की बोलती है, नहीं, अभी मेरे पास इतनी एनर्जी नहीं है कि मैं उसे कंप्लीट कर सकूं। और अब जबकि ये ग्रीन बैम्बू ट्रेजर एक लड़की में ट्रांसफॉर्म हो जा रहा है, इसलिए हम इसे किंसू कहेंगे। तो डीन सुन जब देखते हैं कि साइन का वह ग्रीन बैम्बू ट्रेजर एक लड़की में ट्रांसफॉर्म हो पा रहा है, तो वह साइन को बताते हैं कि यह प्रोसेस इतना भी आसान होने वाला नहीं है, इसके लिए इस ट्रेजर को कई सारे ट्रिबुलेशन से होकर गुजरना पड़ेगा। और अभी मुझे ऐसा लगता है कि ये लड़की इतनी पावरफुल नहीं हुई है कि वह उन थंडर ट्रिबुलेशन को सह सके। जिस पर साइन डीन सुन को कहता है कि अगर आप मुझे कुछ एडवाइस देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। जिस पर डीन सुन साइन को बताते हैं कि इस लड़की का सोल को तुम्हें काफी समय तक नरिश करना पड़ेगा, ताकि वह अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा सके, और जब वह ऐसा कर पाएगी तभी वह थंडर ट्रिबुलेशन को सह कर एक ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म हो सकती है। जिनकी इस एडवाइस को सुनने की बात साइन किंसू को वापस अपने नॉर्मल फॉर्म में जाकर रेस्ट करने को कहता है, तो किंसू तुरंत ही अपने ग्रीन बैम्बू फॉर्म में आकर वापस साइन के वॉइड पेंडेंट में चली जाती है, जिसके जाने के बाद साइन डीन सुन को ग्रीट करके वहां से जाने लगता है। पर डीन सुन साइन को कहते हैं कि अभी तुम इतनी देर बाद हॉल ऑफ स्टार से आए हो, इसलिए तुम्हें कुछ दिनों तक रेस्ट करना चाहिए, जो बोलकर डीन सुन वहां से चले जाते हैं। पर साइन तो बिल्कुल भी रेस्ट के मूड में नहीं था, वह तो यह डिसाइड करता है कि वह अपने फादर के पास जाकर उनका हालचाल पूछेगा, और साथ में उनसे यह भी जानने की कोशिश करेगा कि आखिर मेरे प्राइमल वर्ल्ड कोऊ फैमिली ने किस कल्टीवेटर की बॉडी में प्लांट किया है। जिसके बाद हमारा सीन हॉल ऑफ स्टार के एंट्रेंस पर शिफ्ट होता है, जहां पर हम एल्डर क्यान को देखते हैं, जो अपने डिसाइपल यफई के लिए काफी परेशान हो रहे थे, क्योंकि यह हॉल ऑफ स्टार का एंट्रेंस अब बंद होने वाला था, पर यफई की अभी तक कोई भी खबर नहीं थी। पर तभी उस हॉल ऑफ स्टार के एंट्रेंस से हम चेंगहाई को बाहर आता हुआ देखते हैं, जो एल्डर क्यान को बोलने लगता है कि आपके डिसाइपल यफई को साइन ने मार दिया है। और इधर हम वू फैमिली के एल्डर वू बोली को देखते हैं, जिनके पास भी उनके फैमिली का एक मेंबर आकर अभी तक साइन ने जितने भी वू फैमिली के मेंबर्स को मारा रहता है उनकी जानकारी उन्हें देता है। जो बात जानने के बाद एल्डर वू बोली काफी गुस्सा हो जाती है, और इधर एल्डर क्यान का भी वही हालत था, जिसके दिखाती है एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है।